माइनक्राफ्ट। और गाइस आज के वीडियो में मैं सर्व करूंगा ऐसे एस केचम और ये पूरे वीडियो में मैं एस की स्टोरी को ही फॉलो करूंगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं उन पोकेमॉन को पकड़ सकता हूँ जिन्हें एस ने पहले पकड़ा है और उसके साथ साथ मुझे सारे जिम बैच को कलेक्ट करना है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस वेलकम बैक। और गाइस अब मैं आ चुका हूँ हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड के अंदर और यहाँ पे मैं सर्व करूंगा 100 डे ऐसे एस केचम और ये वाली सीरीज तब तक चालू रहेगा जब तक मैं अपनी लास्ट लीग कंप्लीट न कर लूं। और गाइस कमेंट करके बताओ आज का सबसे बेस्ट पोकेमॉन कौन सा है। ओके गाइस यहाँ पे तो रात है तो मुझे सुबह सुबह यहाँ पे आना पड़ेगा और इस बार ट्राई करूंगा कि अपने बेस्ट पोकेमॉन को चूज कर पाऊँ और ये सब तो सुबह होने के बाद ही पता चलेगा। ओके गाइस यहाँ पे सुबह भी हो चुका है और मुझे जल्दी से अपने पोकेमॉन को चूज करना होगा और सच बोलूं कि ये वाली सीरीज को मैं ऐश की तरह ही कंप्लीट करने वाला हूं। और पता नहीं गाइस बाकी लोगों को अपना पोकेमॉन मिला हुआ है नहीं। अरे ये तो गैरी है, लगता है कि इसने अपना फर्स्ट पोकेमॉन स्क्वाडल चूज किया है और स्क्वाडल भी बेस्ट पोकेमॉन है बस रॉक टाइप के लिए। सो कैसे हूँ प्रोफेसर और हाँ मुझे बताया कि मैं अपना फर्स्ट पोकेमॉन चार्मेंडर चूज करने वाला हूँ क्योंकि चार्मेंडर मेरा अरे ये क्या किसी और ने से चूज कर लिया है। चलो कोई नहीं यार मैं चूज करता हूँ मेरा फेवरेट पोकेमॉन बल्बासोर को। ओके अरे ये क्या हो गया, क्या मतलब इसे किसी और ने चूज कर लिया है। चलो कोई नहीं यार मुझे तो स्क्वाडल ही चाहिए था और मैं चूज करता हूँ स्क्वाडल को। अरे यार इसे तो क्या ही नहीं चूज किया था, इसका मतलब मेरे पास कोई भी पोकेमॉन नहीं है। क्या कहा आपके पास और एक एक्स्ट्रा पोकेमॉन है? और हाँ मुझे कोई भी पोकेमॉन चलेगा ताकि मैं अपनी फर्स्ट जर्नी को स्टार्ट कर पाऊँ। ओके ये तो पिकाचू है और मैं चूज करता हूँ पिकाचू को। और फाइनल गाइस मुझे अपना फर्स्ट पोकेमॉन पिकाचू मिल चुका है और ये पोकेमॉन काफी ज्यादा क्यूट है लेकिन पता नहीं बात बात में ये पोकेमॉन करंट क्यों मारता है। और साथ ही साथ मुझे मिला है 5 पोकेबॉल ताकि मैं बाकी पोकेमॉन को भी पकड़ पाऊँ। गाइस मुझे पोकेमॉन लीग में हिस्सा भी लेना है और उससे पहले मुझे बैटल करके मुझे 8 के 8 पैच को भी कलेक्ट करना होगा और लगता है कि गाइस ये वाला रूट मेरे लिए सही होगा। अरे ये कौन सा पोकेमॉन है, अरे ये तो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पीजी है, शायद मुझे इसे भी पकड़ना चाहिए। पिकाचू जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। अरे यार लगता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। चलो कोई यार मुझे इसके पास धीरे धीरे, अरे यार ये चला गया। और पता नहीं गाइस पिकाचू अटैक के वक्त मेरी बात नहीं सुन रहा और पता नहीं गाइस मैं लीग कैसे जीतूंगा। और ये कौन सा पोकेमॉन है, पिकाचू यूज करो थंडर शॉक। ओके और फाइनली हमने स्पैरो पोकेमॉन को भगा दिया। लगता है कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप से काफी ज्यादा पावरफुल है। अरे यार ये क्या, लगता है कि पिकाचू के अटैक की वजह से सारे हमारे खिलाफ हो चुके हैं और बस हमें इस जगह से जल्दी से निकलना होगा। और जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे मिस्टी का बाइक लेके निकल गया। अरे यार स्पैरो के खतना जोन यहाँ पे भी आ चुका है और पता नहीं गाइस इन सारे स्पैरो से हम कैसे जीतेंगे। पिकाचू मैं चाहता हूँ कि तुम इस पोकेबॉल में जल्दी आ जाओ, लेकिन तभी पिकाचू ने अपने खतना अटैक की वजह से सारे स्पैरो को भगा दिया और ये वाले बैल के दौरान हम काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन एक सेकेंड ये कौन सा पोकेमॉन है, इसके बारे में तो पोकड़ी इसको भी नहीं पता। और आगे आने का मैंने ऑफिसर जेनी से पोके सेंटर का रास्ता पूछा और यहाँ आने का मैंने अपने पोकेमॉन को जल्दी से हील कर दिया। पिकाचू को हील करने का मैंने साइड से मिस्टी को देखा और मिस्टी ने कहा कि वो मेरे साथ सफर पे जाएगी, ये इसलिए क्योंकि मैंने गलती से उसका साइकिल तोड़ दिया था और मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। और आगे चलने का मैंने यहाँ पे कई सारे खतरनाक ट्रेनर को देखा और इसी तरह बाकी ट्रेनर को हारने के बाद मेरे पोकेमॉन का लेवल अप भी हो रहा था। और इस जगह पे भी एक जिम है, वहाँ पर मैं बैच भी जीत सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे आने का मैंने देखा की उस जिम में बैल करने के लिए हमें 7 बजे चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास तो 0 बैजे। पहली फुर्सत में निकल। लेकिन जब हम आगे निकल रहे थे तभी हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से और ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर हमने टीम रॉकेट के साथ बैल की और आखिरकार मेरे पिकाचू ने टीम रॉकेट को हरा दिया और मुझे लगा कि हम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। और तभी हम तीनों निकल पड़े वार्डियन फॉरेस्ट में और ये फॉरेस्ट के बाद हम पहुंचेंगे पीटर सिटी में क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद हमें अपना फर्स्ट जिम बैच मिल सकता है। और गाइस ये रहा वार्डियन फॉरेस्ट का एंट्रेंस और कुछ देर आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे पोकेमॉन को देखा और ये पोकेमॉन का नाम है कैटरपी जो की एक बगटे पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन को मैंने जल्दी से पकड़ लिया। और पता नहीं गाइस मिस्ट्री इस पोकेमॉन से क्यों डर रही है। और फिर तभी हम सब निकल पड़े जंगल की तरफ, लेकिन तभी हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से और पता नहीं गाइस ये बार बार अपने पीछे क्यों पड़े। टीम रॉकेट को हारने के बाद फाइनली मेरा कैटरपी पोकेमॉन इवोल्व होकर बन जाता है मेटापॉड में और हां ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन का इवोल्यूशन है। और इस तरह आगे चलने का मैंने यहाँ पे पिजोटो को देखा, ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बग टाइप से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन पिकाचू के हेल्प से मैंने इस पोकेमॉन को पैरलाइज कर दिया और इसी तरह से मैंने पकड़ लिया पिजोटो को। और सच में गाइस ये वाला बैटल काफी ज्यादा हार्ड था और कई दूर आगे आने का मेरा सामना होता है बग कैचर सैमुराई ट्रेनर से और वहाँ पहुंचने का उसने मुझे पोकेमॉन बैच में चैलेंज किया। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पास बग टाइप पोकेमॉन पिंसर है जिसका हॉर्न काफी ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पर मेरे पोकेमॉन ने इसके पोकेमॉन को भी हरा दिया था। और ये वाले मैच में पिजी और पिजोटो थक चुके थे और मैंने सेंड किया मेरे मेटापॉड को। लेकिन गाइस यहाँ पे दोनों मेटापॉड क्या कर रहे हैं और यहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन को कहता हूँ कि मेटापॉड हार्ड यूज करो और यहाँ पर मेरा मेटापॉड सख्त हो जाता है, ऐसे में बड़ा सख्त लड़ना। लेकिन यहाँ पर आते कई सारे बेडल के झुंड और इन लोगों ने मेरे पोकेमॉन को उठा लिया और कई दूर आगे आने का फाइनली मेरे मेटापॉड को बचा लिया और फाइनली मेरा मेटापॉड इवोल्व होकर बनता है बटरफ्ली में। लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। और कई दूर आगे आने का फाइनली हम पेड़ो सिटी के रास्ते तक आ चुके थे। लेकिन यहाँ पहुंचने का हमने यहाँ पे एक इंसान को देखा जो कि पत्थर भेजा था और हम लोग इसे इग्नोर मार के पहुंच गए पोके सेंटर में। पोकेमॉन को हील करने का नर्स जॉय ने कहा कि यहाँ के जिम लीडर के पास सबसे बड़ा पोकेमॉन है। और फिर मैं जल्दी से चल पड़ा जिम लीडर
लीडर ब्रॉक को चैलेंज करने और यहाँ पे बतला कि ये जिम है रॉक टाइप का। और गाइस ये देखो यार, ये रहा जिम लीडर। और गाइस इसके साइड में देखो यार, ये रहा ऑनिक्स पोकेमॉन। और फिर तभी मैं उसके पास जाके जिम बैटल में चैलेंज करता हूँ, लेकिन ये वाले बैल के अंदर उसने मेरे सारे पोकेमॉन को हरा दिया। और यहाँ पे मैं जल्दी से आता हूँ अपने पोकेमॉन को हील करने। और गाइस पिकाचू को ट्रेनिंग करते वक्त मुझे यहाँ पे फ्लिंट दिखता है जो कि फूलों को पानी दे रहा था। और कुछ देर बातें करने के बाद उसने मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब दिया और इसे यूज करने के बाद मैं अपने पिकाचू को पावरफुल बना सकता हूँ। और मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब को पिकाचू को दे दिया और हम तीनों मिलकर निकल पड़ते हैं ब्रॉक की जिम की ओर। और मैंने इन दोनों को यहाँ पे रुकने के लिए कहा और उसके बाद मैं जाके चैलेंज करता हूँ ब्रॉक को। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। गाइस उसने जियोडिल की जगह भी ऑनिस को चूज किया है। कई सारे अटैक करने के बाद आखिरकार मैंने ब्रॉक को हरा दिया। बैटल के जीतने के बाद फ्लिंट ब्रॉक के पास आता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ब्रॉक ही इसका बेटा है। और गाइस ब्रॉक का सपना ये है कि वो आगे चल के पोकेमोन का ब्रीडर बनेगा और इसलिए वो हमारे साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। और हाँ, प्यूटर सिटी का जिम लीडर आज से फ्लिंट होगा। और सबको बाय बाय करने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं अपने सफर की ओर। और गाइस जिम से निकलने से पहले यहाँ पे रात हो चुका था और इसलिए हम आज की रात ब्रॉक के घर पे बिताएंगे। और गाइस पीछे देखो यार, पीछे ब्रॉक के भाई बहन है। और गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और हमें जल्दी से प्यूटर सिटी से निकलना पड़ेगा ताकि मुझे अपना सेकंड बैच मिल पाए। और इसलिए हम तीनों निकल पड़ते हैं सेलोरियम जिम की तरफ। और सुबह सुबह एक बंदा मुझसे चैलेंज कर रहा था और मैंने अपने पिकाचू की मदद से इसे आसानी से हरा दिया। और गाइस पता नहीं यार सुबह सुबह मिस्ट्री योगा क्यों करने लगती है। और इसे देखने के बाद मैं और ब्रॉक भी शॉक में आ चुके थे। सर्बियन डांसिंग लेडी, हाल ही में ये टॉपिक टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने लगा है। योगा खत्म होने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं अपने सेलोरियम जिम की तरफ। और जब हम पोके सेंटर की तरफ बढ़ने लगे तब मैंने देखा कि एक बंदे के ऊपर जुबैट अटैक कर रहे थे और यहाँ पर हम तीनों ने उसकी मदद की और आखिरकार ब्रॉक ने उस जुबैट को पकड़ लिया। पोकेमोन को हिल करने के बाद हम चारों निकल पड़ते हैं गुफा की तरफ। और ये प्रोफेसर यहाँ पे मूनस्टोन की तलाश में आया था। और हाँ गाइस, इस जगह का नाम है माउंट मून, क्योंकि इस जगह पे मून का एक पत्थर गिरा था। और यहाँ पे मून के कुछ पोकेमोन इस जगह पे आ चुके थे और इस गुफा के अंदर कई सारे मूनस्टोन भी पड़े हुए थे। और कुछ घंटे घूमने के बाद हम चारों इस गुफा से निकल गए। और आगे चलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे टीम रॉकेट ने क्लिफरी पोकेमोन को पकड़ लिया था और इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर टीम रॉकेट फिर से फेल हो गए। और गाइस इस जगह की सेफ्टी के लिए ये प्रोफेसर इस जगह पे रहना चाहता है। चलो गाइस बाद में कभी ना कभी इस प्रोफेसर से मिलेंगे। और गुड बाय बोलने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं अपनी सफर की तरफ। और हम तीनों रात में इस जगह पे रेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ओके सुबह हो चुका है और हम तीनों निकल पड़ते हैं सेलोरियम जिम की तरफ। चलो गाइस जल्दी निकलते हैं और मुझे जल्दी जल्दी सेकंड बैच भी चाहिए। और पता नहीं कि ये दोनों इतना लेट क्यों लगाते हैं। रुको, अरे ये क्या, यहाँ पे कोई नोटिस यार। और यहाँ पे लिखा है गैरी इज हियर, टेक्नोब्रिड इज लूजर। अरे यार यहाँ पे गैरी के बच्चे ने यहाँ पे क्या लिख रखा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और गाइस वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें गैरी के बच्चे को अच्छे से निपटाना पड़ेगा। और आखिरकार हम तीनों यहाँ पे सेलोरियम सिटी की तरफ पहुँच जाते हैं। और गाइस पता नहीं कि मिस्ट्री को हमारे साथ जिम की तरफ क्यों नहीं जाना है। चलो कोई नहीं यार, इसलिए ब्रॉक और मैं साथ में निकल जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। और गाइस मुझे इतना शक था कि ये चोरी टीम रॉकेट ने होगी, शायद लगता है कि यही होगा सेलोरियम सिटी की जिम। और गाइस ये तो वाटर टाइप का जिम है और मेरे पास तो पिकाचू है, मतलब मैं आराम से जीत जाऊंगा। ओके गाइस यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ और ये कह रहे हैं कि इनका पोकेमोन अटैक के दौरान थक चुके हैं और इनका कहना है कि मुझे बिना बैटल किए जिम बैच मिल सकता है। और जिम बैच लेते समय पीछे से मिस्ट्री आ जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और यहाँ पे ही रिवील होता है कि मिस्ट्री इस जिम की लीडर है। और गाइस मिस्ट्री ने मुझे इस जिम बैच के लिए चैलेंज किया है। और सबसे खतरनाक चीज ये हो चुका था कि पिकाचू मिस्ट्री की टीम में, इसका मतलब मैं मैच के दौरान पिकाचू को यूज नहीं कर सकता। चलो कोई नहीं गाइस, मेरे पास पिज्जोटो और बटरफ्ली है। और गाइस स्टारमी को हमने कैसे भी करके हरा दिया, लेकिन स्टारी उससे भी खतरनाक है क्योंकि स्टारी यूज करता रिकवर को, लेकिन मेरे पिज्जोटो ने इसे क्विक अटैक से आराम से हरा दिया। और इस मैच का विजेता है टेक्नोब्रीड। और आखिरकार मैं जीत चुका हूँ कैस्केड बैच को। और आपको ये वीडियो देखकर कैसे लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।